जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लगातार शिकायतें मिल रही थी, लगातार भर्तियों में गड़बड़ियों की बात आ रही थी, उन गड़बड़ियों को लेकर हमने एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी है और दरोगा भर्ती को लेकर चूँकि पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए हमने वो विजिलेंस को जांच दी है। जहाँ विजिलेंस ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है, एसटीएफ ने अभी तक 25 लोगों को सलाखों के अंदर कर दिया है, उनकी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कितनी ही पहुँच वाला क्यों ना हो, जहाँ भी होगा उसको हमारी एसटीएफ, हमारी पुलिस उसको खोजेगी और जो अपराधी है अपराधी को उसका दंड मिलेगा। इसके साथ साथ यह भी है कि चूंकि ये हमारे बेटियों से बेटों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे नौनियालों से जुड़ा हुआ विषय है, हम इसके लिए फुल प्रूफ योजना बना रहे हैं कि भविष्य में कभी भी कोई भी इस प्रकार की आपराधिक घटना की पुनरावृत्ति करने की न सोचे। इसके साथ साथ जो बच्चे अपनी मेहनत से पास हुए हैं उनको भी जो है हम लोग कहीं निराश नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे कि उन बच्चों का जिन्होंने अपनी ईमानदारी से मेहनत से जिनका परिणाम आया है वो बच्चे उसमें हों। इधर विधानसभा के स्तर पर भी जो है गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है कि लोगों ने कहा है कि गड़बड़ी हुई है तमाम तरह से। हमने कहा है कि जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई है, चूँकि विधानसभा एक हमारी संवैधानिक संस्था है, मैं माननीय अध्यक्षा जी से भी अनुरोध करूँगा कि वह भी जो है चाहे किसी की भी कालखंड में, चाहे इस कालखंड में हुई हो उस कालखंड में हुई, जो भी भर्तियों की गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी वो जाँच बैठाएँ और सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी जहाँ भी सहयोग करना।